हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के इस मकान में ये कमरा बेहद खास है। यहां रखा सामान इस्तेमाल नहीं होता, इन्हें इस्तेमाल करने वाला देश के लिए कुर्बान हो चुका है। यह है शहीद कैप्टन सौरभ कालिया का कमरा, जिसे सौरभ के पिता ने एक तरह के म्यूजियम में तब्दील कर दिया है। हमारे पास काफी स्कूलों के, कॉलेजों के और कई इंस्टीट्यूशन के और कहां कहां से लोग आते हैं, मतलब एक किस्म की उनको उनके प्रेरणा मिलती है। इस तरह से आमतौर पर बुजुर्गों की याद संजोई जाती है, लेकिन यहां तो परिवार के मुखिया ने खुद को उसके बेटे के प्रति समर्पित कर दिया, जो 18 साल पहले चला गया था। सौरभ कालिया तब सिर्फ 23 साल का था और सेना में भर्ती हुए एक साल भी नहीं हुआ था, और उसने दुश्मन पाकिस्तानी सेना से मुकाबला करते हुए करगिल में शहादत दे दी। सौरभ के इस कमरे को किसी मंदिर की तरह श्रद्धा और सम्मान मिलता है। अपने ही नहीं, वो लोग भी सौरभ को याद करते हैं जिनसे सौरभ या उसके परिवार का वास्ता तक नहीं था। आपके माध्यम से मैं कहना चाहूँ कि हमें आज तक 180,000 से ऊपर ईमेल आए हैं, और आपने म्यूजियम में देखा कोई 46,000 से ऊपर हाथ के लिखे हुए पत्थर हैं, मतलब जो लोगों ने हमें दे दिए। तो सौरभ के प्रति लोगों में कितना कितना प्रेम है, कितना आदर है, तो आप इस बात से आइडिया निकाल सकते हैं। सौरभ करगिल की बजरंग चौकी संभालने के लिए 5 साथियों के साथ 15 मई 1999 को गया था, लेकिन लौटे उनके पार्थिव शरीर। इन्होंने तमाम यातनाएं सही, लेकिन दुश्मन के सामने जबान नहीं खोई। मनोज धीमान, रक्षक न्यूज, पालमपुर, हिमाचल प्रदेश।